हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले किंग खान शाहरुख खान का न्यू मूवी यानी जवान का टीजर। जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से सोशल मीडिया के अंदर एक ही बात यहां पे चल रहा है कि ये बचाने वाला है बॉलीवुड को। अगर कोई बचा सकता है तो बचाएगा अपना किंग खान शाहरुख खान। टीजर के अनाउंसमेंट के बाद जो क्रेज देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया, जिस हिसाब से हिला हुआ है, फैंस जिस हिसाब से एक्साइटेड हुए, भाई वो नेक्स्ट लेवल का देखने को मिला। बट यहाँ पे कुछ है जिनको की ये टीजर पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि ये टीजर नहीं, पूरा मूवी फ्लॉप होने वाला है, नहीं चलेगा, बॉलीवुड का मूवी है तो ये फ्लॉप है। तो भी सी बात है, ये हेटर्स का कहना है, तो हेटर्स को बाद में लेते हैं। हेटर्स कहां जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, तो हेटर्स को बाद में लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस अनाउंसमेंट टीजर ने क्या कारनामा करके दिखाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद अनाउंसमेंट टीजर ने, जबान के टीजर ने जो है अपने 24 आवर के अंदर हिस्ट्री ब्रेक कर दिया और नंबर 1 टीजर बन चुका है 24 के अंदर सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा लाइक्स लाने के लिए। फर्स्ट रैंक पे अभी जवान का टीजर, सेकंड पे पठान, थर्ड में टाइगर 3 एंड फोर्थ में बड़े मियां छोटे मियां। अभी अगर बात करिए करेंट कितने व्यूज यहां पर देखने को मिल रहे, तो अभी वन डे कंप्लीट हो चुका है, मैं देख सकता हूं अभी जो व्यूज यहां पर देखने को मिल रहे मेरे मोबाइल में, अभी 2 करोड़ यहां पर दिखा रहे हैं, मिलियंस में नहीं दिखाते। तो 2 करोड़ मतलब कितना होता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। 20 मिलियन क्या ट्रेंडिंग 1 पे यहाँ पे ये यहाँ पे चल रहा है। और लाइक्स की बात करें तो 6.2 लाख यानी 6 लाख से भी ज्यादा लाइक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 51,000 से भी ज्यादा कमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ये टीजर यहाँ पे चल रहा है। तो 24 आवर्स के बाद नंबर 1 टीजर ये बन चुका है। जस्ट ये अनाउंसमेंट है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर टीजर यहाँ पे बनाया है, प्रॉपर टीजर आएगा, इससे प्रॉपर टीजर नहीं कहते, इसको जस्ट अनाउंसमेंट कहते कि अपन आ रहा है तहलका धमाका मचाने के लिए। जब प्रॉपर टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा तो क्या होगा मेरे भाई, जस्ट सोच के देखो। सो अभी बात करते हैं अपने हेटर्स। तो देखो बेसिकली उस नन्हे मुन्ने हेटर्स का कहना है कि ये मूवी नहीं चलने वाला, ये टीजर फ्लॉप है, अच्छा नहीं लग रहा, शाहरुख खान का लुक अच्छा नहीं लग रहा, कैसा लग रहा है बैंडीज बुंडीज करके यहाँ पे बैठे हुए, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, तुझे क्या चाहिए। तो मैं हेटर्स को इतना कहना चाहता हूं, तूने ये टीजर देखा या फिर KRK का वो देख लिया उसके बाद कह रहा है, तो पहले चेक कर ले तूने देखा क्या है, या फिर अपना आंखों का इलाज करवा फिर बोल कि हाँ भाई मैंने टीजर देखा है, टीजर मेरे को अच्छा नहीं लगा। देखो दूसरी बात, बॉलीवुड को सपोर्ट करना नहीं करना, अभी आप लोग कहोगे तो पहले से बॉलीवुड को बजाता हुआ आ रहा है, अभी बॉलीवुड के तरफ में बात करें तो देखो मैंने जब चैनल खोला था, स्टार्ट किया था, मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं बॉलीवुड को बजाने के लिए चैनल खोला है, मैं मूवी रिव्यू करता हूँ, मूवी के अपडेट्स लीक्स आप लोगों को लाके देता हूँ, जो मुझे मूवी अच्छा लगता है मैं मूवी को सपोर्ट करता हूँ, वो मूवी बॉलीवुड से हो साउथ से हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करता हूँ। वहां से अगर कोई अच्छा मूवी निकल के आता है ना, वो कोई नॉर्मल सा छोटा सा इंडस्ट्री से भी निकल के आता है, मराठी इंडस्ट्री हो, वो तेलुगु तमिल कोई भी इंडस्ट्री से निकल के आता है, अगर वो मूवी अच्छा होता है तो मैं जरूर से उसको सपोर्ट करता हूँ, देखता भी हूँ, लोगों को बताता भी हूँ हाँ आपको ये मूवी देखना चाहिए। तो अगर बॉलीवुड से कोई मूवी आता है अच्छा वाला कि हाँ भाई अभी बॉलीवुड का जो अभी सीन चल रहा है उसको बदल सकता है, तो मैं जरूर से उसको सपोर्ट करूंगा। अगर अच्छा होगा फिर भी मैं कहूंगा कि नहीं भाई, व्यूज के चक्कर में बोलूंगा नहीं भाई मूवी अच्छा नहीं है वो सभी चीजें, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अगर अच्छा होगा तो मैं जरूर से बोलूंगा, हाँ मैं बॉलीवुड को कहता हूं क्योंकि बॉलीवुड ऐसे मूवी देते हुए आ रहा था, लेकिन अभी जो मूवीज देते हुए आ रहे हैं जैसे भाईजान यहाँ पे टाइगर 3 लेके आ रहा है, शाहरुख खान यहाँ पे पठान लेके आ रहे हैं, अभी जवान, फिर जाके लास्ट में राजकुमार हिराना के साथ वो मूवी लेके आएगा, तो ये जो मूवीज यहाँ पे आ रहे और भी यहाँ पे मूवीज आ रहे, तो ये सभी मूवीज जो है बॉलीवुड को जान देने वाला है। ऐसा नहीं कि ये मूवी आ रहा है फिर भी मैं कहूंगा कि नहीं भाई ये नहीं चलने वाला, बॉलीवुड का मूवी है तो नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर बॉलीवुड वाले इन सभी मूवीज को देख के ऐसा ही मूवीज बनाने लग जाए, असली कॉन्टेंट बनाने लग जाए, नशा ना करे बॉलीवुड वाले, तो शायद से उनका जो ये रुका हुआ इंडस्ट्री है वो फिर से चला हुआ इंडस्ट्री एंड दौड़ने वाला इंडस्ट्री, घोड़े की रफ्तार वाला इंडस्ट्री बन जाएगा, जैसे वो एकदम फ्रीज हुआ बैठा हुआ है। तो ऐसे अगर मूवीज आएंगे तो चलेगा, अगर नहीं आएंगे तो नहीं चलने। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप पहले से मेरे को फॉलो करते हो आपको पता होगा, अगर बॉलीवुड के अंदर अच्छे मूवीज आने लगे, अगर बॉलीवुड वाले अच्छे मूवीज बनाने लगे तो मैं जरूर से उसको सपोर्ट करूंगा, अगर ऐसे नशे वाले मूवी आने लगे तो उनको इस लेवल पे बजाऊंगा कि भाई पूछो मत। तो अभी सी बात है, ये मूवी आ रहा है, अपने किंग खान बैक आ रहे बहुत दिनों के बाद, उनके जितने भी मूवीज पहले आए थे भाई एकदम डिजास्टर डिजास्टर डिजास्टर, लेकिन अभी जितने भी मूवीज आ रहे हैं वो 3 तो कंप्लीट हो चुके हैं, अनाउंसमेंट सभी कर चुके हैं, तो ये जो बैक आ रहे हैं ना वो किंग खान अपने करियर में फिर से वापस आ रहे हैं और जो रुका हुआ बॉक्स ऑफिस एकदम फ्रीज हुआ बैठा हुआ है ना उसको भी यहाँ पे रफ्तार से चलाने के लिए आ रहे हैं। तो ये तो जरूर से कह सकते हो कि बॉलीवुड के सोए हुए किस्मत को किंग खान यहाँ पे जगाने वाला है। तो जितने भी हेटर्स है मैं उनको इतना कहना चाहता हूँ, भाई हेटर्स का काम क्या है, हेटर्स का काम क्या है, बॉलीवुड हो साउथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट उन लोगों को भिरा देना है और उनका काम हो जाता है, तो उनका कुछ नहीं है, ना वो बॉलीवुड की तरफ से
ना वो साउथ की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं है, वो मूवी के दुश्मन है, तो उनकी बात बिल्कुल भी ना सुनने का। अगर कोई मूवी अच्छा आता है तो ऑब्वियसली बात है, तो इस दुश्मन आपको क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। अच्छा मूवी, सही कंटेंट, रियल कंटेंट, तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। इस दुश्मन आपको क्या कहना मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। आप साउथ मूवीज के फैन हो, बॉलीवुड मूवीज के फैन हो, अगर साउथ मूवीज के फैन हो तो इस दुश्मन आपको क्या कहना है मुझे जरूर से कमेंट में बताना। आप लोगों का कमेंट का मेरे को इंतजार रहेगा। अगर आप बॉलीवुड फैन हो तो मुझे जरूर से बता सकते हो। एंड स्पेशली अगर एसआरके का फैन हो, वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करना है, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना है। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड हेटर्स, जब ये मूवी आएगा ना, तुम अपना गांड और जो जो है पकड़ के जो दौड़ोगे ना, तब देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, एंड तब हम फिर से एक वीडियो बनाने वाले। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलता आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।